अभी कुछ टाइम से ना एक रेसिपी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, डैट इज नो डो पराठा। मतलब इसमें कोई डो नहीं बनाना, कोई आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ एक बैटर बनाओ और बैटर से ही पराठा बनाओ। तो नो डो पराठा, बैटर पराठा आ रहा है इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बनाने जा रहे हैं नो डो पराठा, और यू कैन कॉल इट अ बैटर पराठा। तो बैटर पराठे के लिए हमने आटा ले लिया है। पहले इसके लिए ना मसाला बनाते हैं, एक पराठा मसाला। वैसे तो पराठा मसाले की मैंने रेसिपी आपको दे रखी है और वो आ जाएगी आई बटन पे, बट बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे। एक बहुत ही ईजी सा पराठा मसाला मैं दे देता हूँ आपको, रेसिपी दे देता हूँ। उसके लिए काली मिर्च, जीरा, जीरा थोड़ा ज़्यादा, धनिया एंड अजवाइन। अब पराठा है तो अजवाइन जानी बनती है, 100% बनती है। जैसे ही ये रोस्ट हो जाएगा हम इसको दरदरा पीस लेंगे। हम इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, हम इसको चकले और बेलने से ही पीस लेंगे। तो तब तक हम बैटर बना लेते हैं। बैटर के लिए पहले आटे में घी, अगर आप मक्खन डालना चाहते हैं मक्खन डाल सकते हैं, घी डालना चाहते हैं घी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये डालने के बाद मिक्स कर लें एक बारी, साथ ही अपने मसालों पे भी नज़र रख लें, मसाले जल ना जाए। और अब पानी डाल के बैटर बना लें। पानी आपने ग्रेजुअली ऐड करना है, अगर एकदम से कर देंगे तो लम्स पड़ जाएंगे और वो फिर निकलेंगे नहीं। एक्चुअली ना आटे से काम करना है तो एप्रन भी डाल ही लेते हैं, वरना गाली पड़ेगी मम्मी से कि कुर्ता गंदा कर दिया, अभी नया कुर्ता आया है तूने वो भी गंदा कर दिया। मम्मी ने धोने हैं, गाली देती हैं, मम्मा डांटती हैं, इसीलिए एप्रन डाल लेते हैं। मैं एप्रन डालने के बाद मिलता हूँ आपसे। ये बैटर हमारा डन है, अभी पूरा डन नहीं है, इसको सीजन नहीं करा, बैटर बना लिया। मसाले हमारे डन है, इसको दूसरे पैन में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। और इस पैन के नीचे आग करते हैं बंद। इसमें डालेंगे आमचूर और लाल मिर्च पाउडर। अब बेसिकली गरम पैन में पाउडर मसाले डालने से ना इनका फ्लेवर थोड़ा एनहांस हो जाएगा। और गैस बंद ही रखना है, जो गरम पैन में गर्मी है, जो सौंधापन है, वो निकल के आ जाएगा। अब ये बैटर डन है, बैटर के अंदर हम अपना लहसुन कद्दूकस कर लेंगे। लहसुन घिसना है, इसको काट के नहीं डालना। लहसुन हो चुका है, हमने ग्रेट करके डालना है, वैसे नहीं डालना। और अब ये पाउडर मसाले भी डाल देंगे। अब देंगे एक विस्क। इन मसालों को भी पीस लेंगे। अब ये इजी पीजी पराठा मसाला भी बना लिया हमने, ये डाल दिया है बना के दरदरा पीस के। इसको सीजन करेंगे विद सॉल्ट। अब एक मिक्स, और बाकी सब हो चुका है। अगर आप चाहें तो हरी मिर्च डाल सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो फ्लेवर्स रखने हैं आपने। मैं बहुत ही प्लेन से फ्लेवर्स रखूँगा। अब थोड़ा सा ना धनिया भी काट लेते हैं। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा थिन। तो बैटर हमारा डन है। आपने जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आप घी जब मक्खन डाल रहे हैं तो आप ये जो बैटर बनाएं थोड़े से गुनगुने पानी से बनाएं, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो घी जब मक्खन जम जाएगा।
और अगर आपने ठंडे पानी से ही बनाना है तो आप ऑयल डाल सकते हैं। अब ये बैटर डन है, बैटर को रखेंगे साइड में 10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको परौंठे बना के दिखाऊंगा। अब ये वाला परौंठा बनाने के लिए आपको चाहिए नॉनस्टिक पैन या नॉनस्टिक तवा ले सकते हैं आप। बैटर हमारा, अगर आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा सा थिक हुआ है तो आप डाल सकते हैं पानी, बट मेरा बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेट है तो मैं बैटर डालूंगा इसमें। परौंठे को हल्का सा फैला लें। अब जैसे ही आपका परौंठा साइड साइड में से ड्राई हो जाए इसको पलटेंगे। पलटने के बाद आप घी लगा लें, चौपड़ लें इस पराठे का, और फिर जब दूसरी साइड से भी पक जाए फिर पलट के दूसरी साइड से भी चौपड़ लें। जब पहली बार आप पलटोगे ना तब आपको ऐसा फील होएगा जैसे पैनकेक हो या कोई पूड़ा हो, जैसे बेसन का चिल्ला होता है वैसे टाइप की फील आएगी, बट दूसरी तरफ से ये परौंठे की तरह ही लगेगा। दोनों तरफ से चौपड़ लें घी से, ऑफकोर्स मक्खन या तेल नहीं, और फिर इसको हल्का हल्का दबा के सेक लें। अब वैसे परौंठा तवे पे बनता है बट मेरा जो नॉनस्टिक तवा है उसका हैंडल टूट गया है और मैंने नया तवा लेके आना है, तो इसीलिए फॉरगिव मी फॉर दिस टाइम। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए दोबारा यही रेसिपी तवे पे बना देंगे। परौंठा हमारा डन है, सिमिलरली हम बाकी परौंठे बना लेंगे। तो ये परौंठे सारे हो चुके हैं, इनकी करते हैं प्लेटिंग और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। वैसे तो ये परौंठे अकेले ही बहुत अच्छे लगते हैं मक्खन के साथ, बट सिंस हमें कुछ चाहिए इसके साथ तो मैंने ये प्याज टमाटर मलाई वाली सब्जी बनाई है। अगर आपको सब्जी की रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी ये परौंठे कैसे बने वो भी कॉमेंट सेक्शन में लिखो। डू ट्राई इट, फोटो फेसबुक पेज पे, वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग।